एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं मुरमुरा का पकोड़ा बना रही हूँ। इसके लिए मूढ़ी ले और इसे पानी में 10 मिनट के लिए भिंगो के छोड़ दे। एक कटोरी मूढ़ी है। इसका पकोड़ा खाने में काफ़ी यमी है। इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें और इसे 10 मिनट के लिए भिंगो दे। अब हम एक आलू को क्रश कर लेंगे क्रशर की सहायता से। अब हम पत्ता गोभी, पालक, प्याज, हरी मिर्ची, बेसन, 4 चम्मच 4 चम्मच चावल का आटा लेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, इसमें काला जीरा, थोड़ा सा मंगरेला, अजवाइन थोड़ी सी। अब हम प्याज डालेंगे, क्रश किए हुए आलू, उसका पानी निकाल के डाल दे और मूढ़ी का भी पानी निकाल के डाल दे इसे। अब हम धनिया की पत्ती डालेंगे, पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, सारे को डाल के अच्छे से मिक्स करें और इसे गाढ़ी गाढ़ी पेस्ट बना ले थोड़े से पानी डाल के। अब इसे हाथों की सहायता से इसमें पानी लगा लगा के चिपटा चिपटा करके इसका कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखें। इसे आप सरसों तेल में फ्राई करें, ये खाने में काफ़ी यमी लगता है। अभी एक एक करके हम सारे को तल लेंगे तेल में, इसे डीप फ्राई कर लें। ये 5 मिनट में बनने वाला नाश्ता और काफ़ी यमी है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ये पकोड़ा हमारा रेडी है, मुरमुरा का पकोड़ा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक बार बना के ज़रूर इसे ट्राई करें। ये काफ़ी क्रिस्पी है और खाने में काफ़ी यमी है।